अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीसीबी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। आइए देख लेते हैं, टीम में तीन बड़ी खतरनाक तब्दीलियां कर दी गई हैं। कौन सी जगह पे तब्दीलियां की गई हैं? ओपनर्स के तौर पर, मिडिल ऑर्डर्स के तौर पर, या स्पिन बॉलर्स या फास्ट बॉलर्स के तौर पर? मुकम्मल आपको तफसील से आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बराए मेहरबानी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके साथ में लगी बेल आइकन को जरूर इनेबल कर दें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड तमाम तर अपडेट्स आपको वक्त पर और फौरन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय किए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है, जिसके लिए पीसीबी ने पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान किया। नंबर 1 पे ओपनिंग करेंगे इमामुल हक और नंबर 2 पे खेलेंगे फखर जमान। ये दो ओपनर्स रखे गए हैं पाकिस्तान टीम के। और नंबर 3 पे हैदर अली खेलेंगे और नंबर 4 पे पाकिस्तान टीम की तरफ से बाबर आजम खेलेंगे और नंबर 5 पे पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलेंगे साउद शफकील, जो कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की बड़ी टीम में खेल रहे हैं। और नंबर 6 पे विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान और नंबर 7 पे होंगे मोहम्मद नवाज और नंबर 8 पे पाकिस्तान टीम की तरफ से हैं शादाब खान। और इसी तरह नंबर 9 पे खेलेंगे पाकिस्तान टीम की तरफ से हसन अली और नंबर 10 पे खेलेंगे पाकिस्तान टीम की ओडीआई प्लेइंग 11 में शहीन शाह आफरीदी और नंबर 11 पे खेलेंगे हारिस राउफ। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पहले वनडे मैच के लिए। तब्दीलियां आपने खुद ही देख ली हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के